हेलो दोस्तों, मैं हूँ पूनम। मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज हम बिना प्याज और बिना लहसुन का एकदम शुद्ध और सात्विक महाराष्ट्रियन स्टाइल टेंडली चपात और टोमेटो सार बनाएंगे और ये बहुत ही टेस्टी बनता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि रेसिपी आपको पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बनाना शुरू करते हैं महाराष्ट्रियन स्टाइल टेंडली चपात और टोमेटो सार। सूखा मसाला भून लेते हैं। पैन में एक टेबलस्पून साबुत धनिया, एक टीस्पून साबुत जीरा डालेंगे, पांच लौंग, एक बड़ी इलायची को ऊपर से खोल दिया है, एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का, आठ काली मिर्च। लो टू मीडियम फ्लेम पे लगातार चला के इसे भून लेते हैं। मसाला भूनने की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और ये लाइट ब्राउन भी हो गया है। एक डिश में निकाल लेंगे और रूम टेम्परेचर पे आ जाए तब तक इसे ठंडा कर लेते हैं और बाद में इसे मिक्सर जार में डाल के ग्राइंड करके पाउडर बना लेंगे। कुकर में तीन टेबलस्पून मूंगफली का तेल डालेंगे, आधी टीस्पून राई, राई को क्रैकल होने देंगे, गैस की फ्लेम धीमी कर लेंगे, एक पिंच हींग, दस काजू लिया है, एक काजू का मैंने दो पीस किया है ये डाल देंगे। लाइट ब्राउन इसे भून लेते हैं। 10 से 12 करी पत्ता को बारीक चॉप किया है। फ्रेश नारियल का छिलका निकाल के इसे कद्दूकस किया है, ये आधा कप फ्रेश नारियल का बुरादा है। आपके पास अगर फ्रेश नारियल नहीं है तो आप सूखा नारियल भी कद्दूकस करके डाल सकते हैं। जब भी हमने वो ड्राई मसाला भुना, सूखा धनिया, जीरा, लौंग, तज वो सब भुना, उस टाइम पे उसके साथ भून के मिक्सर जार में डाल के पाउडर बना के डालना है। अगर आप सूखा नारियल ले तो टिंडली को अच्छे से पानी से धो लिया था, फिर इसे कपड़े से पोंछ के, एक टिंडली का मैंने चार पीस किया है, ये एक कप कटी हुई टिंडली का पीस है, आधी टीस्पून हल्दी पाउडर, एक टीस्पून नमक डालेंगे या नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। लो टू मीडियम फ्लेम पे टिंडली को 3 से 4 मिनट के लिए लगातार चला के भून लेते हैं। दो हरी मिर्च बारीक काट के डालेंगे या आप इसे स्लिट करके भी डाल सकते हैं, मिर्ची को लंबी काट के भी डाल सकते हैं। पहले हमने सूखा मसाला भुना था, इसका मैंने पाउडर बना दिया है, ये डाल देंगे, अच्छे से चला के मिक्स कर देंगे। एक टीस्पून गोड़ा मसाला डालेंगे, महाराष्ट्रियन काला मसाला, महाराष्ट्रियन गरम मसाला। इसकी रेसिपी आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, और अगर आपके पास ये नहीं है तो आप गरम मसाला भी डाल सकते हैं, आधी टीस्पून गरम मसाला डाल सकते हैं, लेकिन ये गोड़ा मसाला डालेंगे, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। एक कप कोलम चावल लिया है, इसे मैंने अच्छे से 4 से 5 बार पानी से धोया है। पानी जब तक इस तरह से क्लीन दिखे तब तक हमें चावल को धोना है, और इसे मैंने 10 मिनट के लिए पानी में भिगो के रखा था। अभी हम ये पानी निकाल देते हैं, चावल डाल देंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पे चावल को 2 से 3 मिनट के लिए भून लेते हैं। इसे लगातार चला के ही भूनना है। 1 और 1/3 कप पानी डालेंगे, ये मैंने 1 कप पानी डाल दिया, और 1/3 कप पानी डालेंगे, अच्छे से चला लेंगे। मिक्सर जार में हमने ड्राई मसाला क्रश किया था, इसमें मैंने 3 टेबलस्पून पानी डाल के ले लिया है। 1 टेबलस्पून देसी घी डालेंगे, 2 से 3 टेबलस्पून हरा धनिया, 1 टीस्पून नींबू का रस डालेंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे। चावल बॉईल होने लगे हैं, मैंने इसमें टोटल 1.5 कप पानी डाला है। कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे, मीडियम फ्लेम पे 2 सीटी तक इसे कुक कर लेते हैं। राइस के साथ सर्व करने के लिए टोमेटो सार बनाएंगे, इसे टमाटर का सूप भी कहते हैं। 4 मीडियम साइज का टमाटर लिया है, इसे मैंने उबलते हुए पानी में डाल के 7 से 8 मिनट के लिए उबाल लिया है, और आप देख सकते हैं इसका छिलका भी इस तरह से निकलने लगा है। इस तरह से इसका छिलका निकाल लेते हैं। टमाटर का छिलका मैंने निकाल दिया है, इसे मिक्सर जार में डाल के ग्राइंड कर लेते हैं और टोमेटो प्यूरी बना लेते हैं। 1/4 कप कद्दूकस किया हुआ फ्रेश नारियल है, नारियल का छिलका निकाल के मैंने कद्दूकस किया है, इसे हम मिक्सर जार में डाल देंगे। 1 कश्मीरी लाल मिर्ची का बीज मैंने निकाल के लिया है, ये अंदर डाल देंगे। 1 हरी मिर्च ली है, इसे हम तोड़ के डाल देंगे। 1 टीस्पून जीरा, आधी टीस्पून नमक या नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। 1 पिंच हींग, 1/4 कप पानी डाल के इसकी पेस्ट बना लेते हैं। कढ़ाई में 2 टेबलस्पून तेल डालेंगे, आधी टीस्पून राई, 2 कश्मीरी लाल मिर्ची को तोड़ के लिया है, 1 पिंच हींग,
10 से 12 करी पत्ता को बारीक चॉप किया है, 2 टेबलस्पून हरा धनिया, नारियल की पेस्ट हमने बनाई है ये डाल देंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पे पेस्ट को 1 से 2 मिनट के लिए भून लेते हैं। पेस्ट को अच्छे से भून लिया है, तेल भी सेपरेट हो गया है। टमाटर की प्यूरी हमने बनाई है ये डाल देंगे। 1 कप पानी मिक्सर जार में डाल के ले लिया है, 1/2 कप पानी और डालेंगे। टमाटर का सूप आपको जितना पतला बनाना है उस हिसाब से आप पानी डाल के मिक्स कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून गुड़ डालेंगे, इसके बदले में आप चीनी भी डाल सकते हैं। 1/2 टीस्पून नमक डालेंगे, 1 टेबलस्पून हरा धनिया। इसे थोड़ी देर के लिए बॉईल कर लेते हैं। सूप बॉईल होने लगा है, लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे और 4 से 5 मिनट के लिए उबाल लेते हैं। इसे 5 मिनट के लिए अच्छे से उबाल लिया है। टोमेटो सार रेडी है, गैस ऑफ कर देंगे। कुकर भी ठंडा हो गया है तो देख लेते हैं। हल्के हाथ से चलाएंगे, अब देख सकते हैं राइस एकदम खिला खिला बना है, बिल्कुल भी चिपका चिपका नहीं है। तेंदुलीचा भात भी रेडी है। इसे सर्विंग डिश में निकाल के ऊपर कद्दूकस किया हुआ फ्रेश नारियल और हरा धनिया से इसे गार्निश करना है। बिना प्याज और बिना लहसुन का एकदम शुद्ध और सात्विक महाराष्ट्रियन तेंदुलीचा भात और टोमेटो सार रेडी है। साथ में मैंने सलाद सर्व किया है, ये बहुत ही टेस्टी बना है। आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें। रेसिपी आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। तो मिलते हैं अगले और एक नए वीडियो के साथ।